गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम कंटिन्यू टॉपिक पढ़ रहे थे, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति गिनना, जिसको आज आगे पढ़ेंगे। और आज हमारी टाइप रहेगी, है ना, आयत की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। आयत की संख्या ज्ञात करेंगे, आज का विषय का चर्चा रहेगा हमारा, और टॉपिक चल ही रहा है आकृतियों की गणना करना। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, जैसा सबको आपको दिख रहा है। अब आप बताइए, इस आकृति के अंदर आपको मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, इस आकृति के अंदर आपको तीन क्वेश्चन बताने हैं। कितने क्वेश्चन बताने हैं? तीन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बतानी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर मेरे भाई की कितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि इस आकृति के अंदर कितनी आयत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इस आकृति के अंदर आर डैश का मतलब केवल आयत की संख्या कितनी है, अरे केवल आयत की संख्या कितनी है। चलो आप मुझे बताओ कि इस आकृति में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, देख मेरे भाई, देख इधर, देखिए, आप मुझे बताओ क्या ये क्या कहलाती है, बोलो। अरे क्या कहलाती है? पंक्ति। ये क्या कहलाती है? बोलो। ये कहलाती है स्तंभ। तो पहले तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे मैं बात करूं किस आकृति में एस का मतलब स्क्वायर कितने वर्ग हैं, तो आप बताओ वर्ग कितने, तो आप बताओ, आप बोलोगे सर इसमें वर्ग कितने, सिंगल सिंगल, एक, दो, ये तीन और ये चार। वर्ग क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिसकी चारों भुजाएं क्यों बराबर, वो क्या कहलाता है? एक वर्ग। तो बताओ ये छोटे छोटे मेरे भाई, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, एक वर्ग ये दिख रहा आपको, दूसरा ये दिख रहा, तीसरा ये दिख रहा, चौथा ये दिख रहा, सिंगल सिंगल कितने बोलो? चार। और एक आपको ये दिखेगा बड़ा वाला, तो बताओ चार और एक कितना? पांच। कितने वर्ग हैं यहाँ पर? पांच। अब आप बोलोगे यहाँ पर वर्ग की जो संख्या है ना, चलो गिन के बता देता हूँ, वर्ग कितने बोलो? पांच। सिंगल सिंगल, एक, दो, तीन, चार, और बड़ा वाला कितना? पांच। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो कितने बोलो? पांच। अरे कितने? पांच। अब बताओ आयत कितनी है? अरे आयत कितनी है? अब बताओ आयत की जो संख्या होगी ना, तो मेरे भाई क्या ये आयत नंबर एक, दो, तीन और चार? अब बोलेंगे गुरु जी आप वर्ग को भी आयत माने, तो मेरे भाई ध्यान रखना कि जो वर्ग है ना, वो किसके अंदर आते हैं? आयत के अंदर। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। तो वर्ग जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? आयत के अंदर आते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन में जब कभी भी वर्ग दिखे तो वर्ग भी क्या होती है? एक आयत होती है। ध्यान रखना सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। तो सिंगल सिंगल हैने को तो ये वर्ग है, लेकिन वर्ग भी क्या होती है? आयत। बताओ सिंगल, एक, दो, तीन, चार, चार तो ही हो गए। अब चार के अलावा आप मुझे बताओ क्या ये बड़ा वाला भी तो है? बड़े वाला भी तो ये वर्ग है, लेकिन वर्ग किस कैटेगरी के अंदर आती है? आयत के अंदर। तो बताओ चार और एक कितना हो गया? पांच। अरे चार और एक कितना? पांच। अब पांच के अलावा बताओ, पांच और एक ये कितना बेटा? बोलो। पांच और एक ये कितना? बोलो छह। छह इन दोनों को मिला के आयत सात। अगली दोनों को मिला के कितनी? बोलो आठ। और अगली दो और तीन को मिला के कितनी हो गई? बोलो नौ हो गई। अरे कितनी हो गई? नौ। तो यहां पर अगर आयत पूछे तो, आयत पूछे तो आंसर कितना आएगा? बोलो नौ आएगा। अरे कितना आएगा? नौ। लेकिन ध्यान रखना इस आयत के अंदर वर्ग भी हैं। कितने वर्ग हैं? बोलो पांच। अरे कितने वर्ग हैं? पांच। अगर आपसे पूछे आर डैश का मतलब होता है केवल आयत, बताओ केवल आयत, तो मेरे भाई केवल आयत यहां कितनी है? जो बताओ केवल आयत में वर्ग जो है वो आयत नहीं होगी, केवल आयत बतानी है। और केवल आयत क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो आप बताओ क्या यहां पर केवल आयत, बताओ केवल आयत ये कितनी? एक और दो को मिला के कितनी? बोलो एक। और एक और ये कितनी? बोलो। अरे ये कितनी? दो। अब दो और तीन को मिला के कितनी? बोलो तीन। और एक और चार को मिला के कितनी हो गई? बोलो चार। तो केवल आयत पूछे तो केवल आयत ही बतानी है, फिर आंसर कितना आएगा? बोलो चार। ये तरीका तो है, मैंने आपको काउंट करके दिखाया है। कैसे करके दिखाया? बोलो काउंट करके। लेकिन मेरे भाई ऐसे करेंगे तो एग्जाम में टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। स्क्वायर के लिए भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्लास ले चुका हूँ, तो फटाफट स्क्वायर कैसे ज्ञात करें देखिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया? अगर आपसे पूछे स्क्वायर तो बता मेरे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये क्या होती है मेरे भाई? पंक्ति। ये क्या होता है? बोलो। ये स्तंभ, ये रो और ये कॉलम, ये क्या कहलाती है? पंक्ति। ये क्या कहलाती है? मैं लिख देता हूं, ये क्या है? बोलो यहां पर पंक्ति। और ये क्या है यहां पर? अरे ये क्या है यहां पर? स्तंभ। चलो बताओ, आप मुझे बताओ कि पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है? एक
और दो। स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है? एक और दो। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने ये तो बताया पंक्ति की अधिकतम संख्या कितनी? दो। स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी? दो। पंक्ति का छोर पे देखो, छोर पे कितनी संख्या है? दो है। और यहां स्तंभ के छोर पे संख्या कितनी है? दो। और इन दोनों छोरों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बता, दो इंटू कितना? दो। मल्टीप्लाई कर लिया, आगे चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि ये जो दो इंटू दो आया है, इनमें से कितना कितना घटाना है? एक एक घटाना है। कब तक घटाना है? सर जब तक कि एक ना आ जाए। तो आप मेरे भाई बता, इस दो में से और इस दो में से एक एक घटाऊंगा तो कितना आएगा? दो में से गया तो एक, दो में से गया कितना बोलो? एक। ये आ चुका है। अब आप बताओ, आपको तब तक घटाना जब तक एक नहीं आ जाए। क्या एक आ गया? क्या आ गया। फिर इसमें से एक एक घटाओगे तो फिर आएगा जीरो इंटू जीरो, उसे लिखने से कोई मतलब नहीं है। बताओ दो इंटू दो कितना? दो इंटू दो कितना? चार। एक इंटू एक कितना? एक। तो बताओ चार और एक कितना बोलो? पांच। तो आप बताओ यहां पर कितने स्क्वायर है बोलो? पांच। और यही मैं आपको गिन के बता रहा था, स्क्वायर का मतलब किसकी संख्या बोलो? अरे किसकी संख्या? वर्गों की। तो वर्गों की संख्या कितनी बोलो? पांच। क्या पांच है? चलिए मैं बेसिक से भी पांच गिनाया था, डायरेक्ट से भी कितना आएगा बोलो? पांच आएगा। चल आप बताइए नेक्स्ट। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं बोलो? किसकी? अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर मेरे भाई आयत की संख्या। किसकी संख्या बोलो? आयत की। और आयत की संख्या कैसे निकालते हैं? इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक देखो, है ना, काउंट करके मैंने आपको बता दिया, जितने भी वर्ग होते हैं ना वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? आयत की में। तो सभी वर्ग क्या होंगे? आयत। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। बताओ ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? पंक्ति। और ये क्या है? स्तंभ। अब बताओ पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है? यहां से अंत तक एक, एक और एक दो। तो आप लिख लो पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है? वन प्लस टू। लिख लिया, आगे चिन्ह किसका? इनटू का। अब आप बताओ स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है? दो में। जोड़ दो आप, वन प्लस कितना? टू। तो क्या किया मैंने? पंक्ति का योग इंटू स्तंभ का योग। बताओ पंक्ति का योग दो और एक तीन। पंक्ति का तो योग आ गया दो और एक तीन। बोलो स्तंभ का योग, एक में दो जोड़ोगे तो कितना आएगा? तीन। स्तंभ का योग भी कितना? तीन। अब बताओ तीन इंटू तीन कितने हो गए बोलो? नौ। तो इस आकृति में अगर आयत पूछे तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? नौ आएगा। अरे कितना आएगा? नौ, नौ आएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं आयत के बाद हम बात किसकी करेंगे बोलो? केवल आयत की। किसकी बोलो? आर डैश का मतलब हो गया, आर डैश का मतलब हो गया केवल आयत। आर डैश का मतलब केवल आयत। और जो केवल आयत होंगी वो उनमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। और केवल आयत में वर्ग को आयत नहीं काउंट करना है। तो आप बताओ केवल आयत कितनी है? डायरेक्ट कैसे निकालें? तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पर ये नौ है मेरे भाई, ये नौ। इस नौ के अंदर जब मैंने वर्ग को भी क्या माना है? मैंने आयत माना है। तो इस नौ के अंदर वर्ग भी है। कितने वर्ग है? नौ। सॉरी कितने वर्ग है यहां पर? पांच। अब नौ में से कितना घटा दो? पांच। तो मेरे भाई कितना आएगा बोलो? चार। तो आपका आंसर कितना आएगा? चार। तो केवल आर डैश का मतलब केवल आयत की जो संख्या होगी वो मेरे भाई कितनी होगी? चार। तो केवल आयत में आपको कितनी बताना बोलो? चार ही तो बता रहा हूं। अरे कितनी बता रहा हूं? चार। कैसे निकाले आप बताओ? स्क्वायर के लिए तो आपको पता है कैसे निकाला। बताओ अधिकतम संख्या कितनी? दो। स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी? दो। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दो इंटू दो। फिर आगे क्या करना है? चिन्ह प्लस का लगाएंगे। फिर क्या करना है? दोनों में से एक एक घटाना है। और कब तक घटाना है? जब तक कि एक नहीं आ जाए। अब बताओ इस दो में से और इस दो में से मैंने एक एक घटाया तो क्या गया? एक इंटू एक। जहां एक आ जाए मैं रुक जाओ। हाँ सर एक आ चुका है। और गिनती आप खत्म कर दो, यहां पर खत्म कर दो जहां एक आ जाए। चलिए आप बताओ अब दो इंटू दो कितना होता बोलो? चार। एक इंटू एक कितना? एक। तो बताओ चार और एक कितना हो गया? पांच। तो इसमें कितने वर्ग हैं बोलो? पांच। अरे कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं बोलो? पांच। अगर आपसे पूछे आयत कितनी है तो मेरे भाई आयत के लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है पंक्ति का योग इंटू स्तंभ का योग। बताओ पंक्ति का योग, बताओ पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है? दो। तो इसका योग कितना होगा? एक और दो कितना? तीन। इंटू में स्तंभ का योग, स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है? यहां से यहां तक एक और एक दो भाग में डिवाइड है। तो मैंने लिया एक प्लस दो। बताओ पंक्ति का योग दो और एक तीन। इंटू स्तंभ का योग दो और एक कितना? तीन। बोलो तीन इंटू तीन कितना? नौ। तो मेरे भाई इसमें आयत जो है ना, आयत कितनी है? नौ। और आपको पता होना चाहिए सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। और सभी वर्ग किस कैटेगरी में आते हैं? आयत की में। इसलिए वर्ग को क्या माना है? आयत।
अगर आपसे पूछे केवल आयत, तो केवल आयत में वर्ग को काउंट नहीं करते हैं, तो आप बताओ टोटल इस 9 के अंदर वर्ग भी हैं, कितने वर्ग हैं? इसमें मैंने बता दिया इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 5, और 9 में से कितना गया, 5 वर्ग को घटा दो तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अरे कितना आएगा, 4। क्या बात क्लियर, बताओ मेरे प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बात समझ में आ गई ना। चले अब आप बताओ नेक्स्ट, इसी अगला क्वेश्चन हम करते हैं, सेम पैटर्न का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो क्या सेम क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन बताने हैं। कितने क्वेश्चन बताने हैं बताओ, 3। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बताऊं, बताओ इसमें कितनी, अगर आपसे पूछे कितनी आयतें, अगर आपसे पूछे आर डैश का मतलब केवल आयत कितनी है, और आपसे पूछे कितने स्क्वायर हैं, स्क्वायर का मतलब वर्गों की संख्या, कितने वर्ग हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बता मेरे भाई, ये बता, चल ये बताओ ये क्या कहलाती है, पंक्ति। ये क्या कहलाता है, स्तंभ। तो आप बताओ मुझे यहां पर कि पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है, बताओ 1, 2 और 3। बताओ स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है, 1, ये 2 और ये 3, तीन तीन भाग में डिवाइड है। तो आप बताओ यहां पर अधिकतम संख्या, बताओ अधिकतम संख्या कितनी है पंक्ति की, 3, और यहां स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी है, 3। ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, ये आपकी पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है, तो यहां छोर पे अधिकतम संख्या कितनी है, 3। ये स्तंभ की अधिकतम छोर पे अधिकतम संख्या कितनी है, 3। और आपको पता है स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, मेरे भाई मैंने आपको बताया था स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बताओ अधिकतम संख्या को लेते हैं, किस किस की को, पंक्ति की को और स्तंभ की को। अब बताओ पंक्ति की अधिकतम संख्या छोर पे देख कितना, 3। स्तंभ की अधिकतम संख्या छोर पे कितना बोलो, 3। इन दोनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, बोलो क्या मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे तो हम जानते हैं गुरु जी, बताओ किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। कितना कितना घटाते हैं बोलो, 1-1 घटाते हैं। कब तक घटाते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 1 आ जाए ना आप छोड़ दो, आप फिर आपको घटाने की जरूरत नहीं है। बताओ इन 3 में से, इस 3 में से 1 घटाओगे तो मेरे भाई बच्चा बच्चा बता देगा कितना आएगा, मेरे भाई बताओ 2×2, बोलो यस या नो। चल आगे बता चिन्ह किसका बोलो, प्लस का। कितना कितना घटाना है, 1-1 घटाना है। कितना घटाना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना, 1-1 घटाना है। अब 1-1 घटाओगे, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1। 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1। तो आप बताओ क्या 1 आ गया ना, जहां 1 आ जाए आप रुक जाओ, आगे बढ़ोगे ना, अरे आप आगे बढ़ोगे तो आप मुझे बताओ फिर 1 में से 1 घटाओगे 0×0 आएगा, देखने से कोई मतलब है क्या, नहीं। तो मैं आपको यही तो बोला चिल्ला चिल्ला के कि जहां 1 आ जाए आप रुक जाओ। बताओ फटाफट 3×3 कितना बोलो, 9। 2×2 कितना, 4। और 1×1 कितना, 1। तो आप बताओ 9×1 10, 10×4 कितना, 14। तो इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं मेरे भाई, 14 हैं। कितने, 14। अगर इसमें केवल वर्ग गिनोगे बेसिक तरीके से तो आंसर कितना आएगा, 14। लेकिन हमने डायरेक्ट आपको बता दिया, डायरेक्ट निकालना मैंने आपको सिखा दिया, तो इसमें अगर वर्गों की संख्या पूछे तो आंसर कितना आएगा, 14। चलिए अब आर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया आर का मतलब होता है आयत। अरे क्या होता बोलो, आर का मतलब आयत की संख्या। कैसे निकालें, एस क्या होगा बोलो, एस का मतलब क्या होगा बोलो, अरे क्या हो गया, वर्ग। आर का मतलब आयत। अब बताओ आयत के लिए क्या करें, मैंने आपको बताया पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है बोलो, 3 भाग में। सबको ऐड कर दो, क्या बोलो, 1+2+3 ऐड कर दिया। आगे क्या आएगा, इनटू। आगे क्या करना है, स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है बोलो, 3 भाग में, तो इनको जोड़ो, तो 1+2+3 यही करना है, पंक्ति का योग इनटू स्तंभ का योग। ऐसे करने पे डायरेक्ट क्या जाती मेरे भाई, आयत की संख्या। तो बताओ अब आप बताइए फटाफट, 3×2 5×1 कितना, 6 इंटू में, 3×2 5×1 कितना, 6। तो आप बताओ 6×6 कितना हो गया, 36। लेकिन आप बताओ कितनी आयत है, 36। लेकिन आपको यह हो सबास होना चाहिए, इस 36 के अंदर वर्ग भी है। क्यों है, क्योंकि वर्ग मेरे भाई आयत होती है, सभी वर्ग आयत होती है। अगर आपसे आयत पूछा है, अगर आकृति पिक्चर के अंदर वर्ग है तो वर्ग भी क्या होते हैं, आयत होते हैं। अरे क्या होते हैं बोलो, आयत। सभी वर्ग आयत होते हैं, और मैं आपको बार बार यही तो चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, वर्ग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आयत के अंदर, लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत। तो आप बताओ अगर मुझे क्या ज्ञात करना बोलो, अगर मुझे ज्ञात करना है किसकी संख्या बोलो, अरे किसकी संख्या,
यहाँ पर आर डैश की, आर डैश का मतलब क्या होता बोलो, केवल आयत। क्या बोलो, केवल आयत। और केवल आयत कितनी है ये ज्ञात करने के लिए बताओ, केवल आयत के लिए क्या करें। अब आपको ये तो पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या पता होना चाहिए बताओ, इस 36 के अंदर, इस 36 के अंदर कितने वर्ग हैं, 14। अरे केवल आयत कैसे ज्ञात करनी है, केवल आयत में वर्ग को काउंट नहीं करना है। केवल आयत का मतलब होता है जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, केवल आयत। तो आप बताओ केवल आयत वर्ग को निकाल दो, केवल आयत बचेंगी, कितने वर्ग हैं, 14। 14 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप बताओ क्या 6 में से 4 गया तो ये 2, और ये कितना बच गया, 3 में से गया तो 2, तो बताओ कितना आ गया, 22। केवल आयत की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 22। तो बताओ क्या आसान तरीके से बता दिया, कोई गिनने का कोई लपड़ाई नहीं यहाँ पर, बताओ फटाफट आप बता सकते हैं। स्क्वायर भी डायरेक्ट ट्रिक से बता सकते हैं, बताओ इस आकृति में कितने स्क्वायर हैं, 14। कितनी आयत है बोलो, 36। केवल आयत कितनी है, 22। अब बताओ स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया ट्रिक से, अधिकतम संख्या बोलो पंक्ति स्तंभ की, 3 × 3, कितना कितना घटाते हैं, 1 1। 1 1 घटाओगे तो 2 × 2, फिर 1 1 घटाओगे, 1 × 1, 1 आ जाए रुक जाओ काम हो गया। आगे आगे बताओ, 3 × 3, 3 का वर्ग 9, 2 × 2, 2 का वर्ग 4, 1 × 1, 1 का वर्ग 1, 9 और 4 13, और 1 कितना, 14 बेटा। अब आगे बताओ कि आयत कैसे ज्ञात करते हैं, आयत के लिए आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, पंक्ति का योग इंटू स्तंभ का योग। ये पंक्ति का योग ही तो किया है मैंने, बताओ कितने भाग में डिवाइड है, 3, 2, 5 और 1 कितना बोलो, 6। या कितने भाग में डिवाइड है, 3, 2, 5 और 1, 6। तो स्तंभ का योग 6, पंक्ति का योग कितना है बोलो, 6। ये तो क्या है मैंने, 6 × 6 × 6 कितना बोलो, 36। अरे कितना, 36। आगे बताओ केवल आयत, अरे आपको बताइए 36 में वर्ग भी है, कितने वर्ग हैं, 14। तो 36 में 14 घटाना यार, तो कितना आएगा बोलो, 22 आएगा। अरे कितना आएगा, 22। चल आगे चल, ले एक क्वेश्चन और ले, एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं आगे, देखिए। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ये और अच्छे से बात आपके क्लियर हो जाएगी। ये ले, ये क्या होती है बताओ, मैं आपको इतनी बार बता चुका मेरे भाई, ये बता, ये क्या है यहाँ पर, ये है बोलो पंक्ति, ये क्या है स्तंभ। तो आप बता सकते हैं क्या ये पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है, 1, 2, 3 और 4, 4 भाग में डिवाइड है मेरे प्यारे बच्चों, कितने भाग में डिवाइड है, 4। स्तंभ बताओ मेरे, स्तंभ बताओ, 1, 2, 3 और 4, सब बच्चे कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट, ध्यान रखना, लेकिन बात है प्रैक्टिस करने की, और बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो, बस दबा के प्रैक्टिस करो। अब बताओ फटाफट कि यहाँ पर मुझे ज्ञात करने, बताओ किसकी संख्या बोलो, अरे किसकी संख्या, वर्गों की। तीन क्वेश्चन बताना है, एक तो आपको बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, चलिए। आगे आपको बताना है इस आकृति में कितनी आयतें हैं, चलिए। आगे आपको बताना है इस आकृति में के आर डैश का मतलब केवल आयत की संख्या, ठीक है। मैं बैक टू बैक आपको तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इससे पहले दो क्वेश्चन करा दिए। तो अब आप बताओ इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो मेरे भाई मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के यही तो बोल रहा हूँ वर्ग ज्ञात करने के लिए, जब कभी वर्ग स्तंभ पंक्ति के अंदर होता है तो फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। बताओ अधिकतम संख्या कितनी बेटा बोलो, 4। पंक्ति का छोर देखो अधिकतम संख्या कितनी है, 4। स्तंभ के अधिकतम, स्तंभ के छोर पे देखो अधिकतम संख्या कितनी है, 4। बाकी इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, केवल लिख लो कितना बोलो, 4 × 4। ये ले बताओ कितना लिख लिया, 4 × कितना 4। अब आगे लिख लिया, अब आगे बताओ चिन्ह किसका, प्लस का। अब मैंने आपको कितनी बार बताया इन में से एक एक घटाना है, और कब तक घटाना है, जब तक कि एक नहीं आ जाए, एक एक घटाओ। बताओ 3 × कितना बोलो 3, 1 आया क्या, नहीं। आगे बढ़ो, ऐसा मत कर देना कि 4 में से डायरेक्ट 3 घटा दो, 1 × 1 लिख दो, हमेशा एक एक घटाना है। बताओ एक एक घटाओगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 2 × कितना 2, 1 आया क्या, नहीं। आगे चिन्ह किसका, प्लस का। एक एक घटाओ कितना आएगा, 1 × 1, ये आ चुका है। अब बताओ, अब आपको वर्ग ज्ञात करना है, बताओ 4 × 4 कितना 16, 3 × 3 कितना 9, 2 × 2 कितना 4, 1 × 1 कितना 1, 16 × 4 = 20, 29 और 1 = 30। बताओ इस आकृति का आंसर कितना आएगा, 30। अरे इस आकृति का आंसर कितना आएगा बोलो, 30 आएगा, कितना आएगा, 30। चलिए तो मैं ये कह सकता हूं इस आकृति के अंदर मेरे भाई जो वर्ग है ना, वो वर्ग कितने बोलो, 30। अगर काउंट करने बैठोगे तब भी 30 ही आएगा, बोलो यस नो, 30 आएगा। चलिए अब आगे आप मुझे बताओ, अब मुझे ज्ञात करनी है किसकी संख्या, बताओ अब मुझे ज्ञात करनी है आर का मतलब आयत की संख्या, किसकी संख्या, आयत की।
और आयत के लिए तो मैं बता चुका हूँ, मेरे भाई देख ये पंक्ति है, ये देख इसको देख ये पंक्ति है, कितने भाग में डिवाइड है, चार। तो बताओ चारों का टोटल कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, फिर क्या करते हैं इनटू स्तंभ का, बोलो स्तंभ का योग बताओ, 1 2 3 4, चार भाग में डिवाइड है, तो 1 + 2 + 3 + 4 चार भाग में डिवाइड है। पंक्ति का योग 4 3 7 दोनों और एक कितना 10, बोलो स्तंभ का योग 4 3 7 दोनों और एक कितना 10। तो आप मुझे बताओ क्या 10 × 10 कितने होते हैं मेरे भाई, 100, तो बताओ कितना आएगा 100। तो इस आकृति में आप बताओ आयत गिनोगे ना, तो आयत कितनी है 100, और इन 100 के अंदर वर्ग भी हैं, और सब वर्ग किसके अंदर आते हैं आयत के अंदर, इसलिए आयत पूछे तो आंसर कितना 100 आएगा। लेकिन मेरे भाई ये देख, तो ये देख ये चल, अगर आपसे पूछे आर डैश का मतलब केवल आयत, और केवल आयत में वर्ग जो होते हैं वो आयत नहीं होती हैं, केवल आयत बोल रहा है, केवल आयत का मतलब, जहां केवल आयत का मतलब देखो ये है केवल आयत ये। अब यहां पर बताओ क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा भी क्या है बराबर, ये केवल आयत है, यहां पर वर्ग को आयत नहीं काउंट करना है। तो अब आप मुझे ये बताओ यहां पर, चले अब बताओ अगर केवल आयत की संख्या आपको बतानी है तो बताओ यहाँ कितना बोलो, अरे ये कितना बोलो 100, ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है ये कितना बोलो 100, 100 में से क्या घटा दो, इस 100 के अंदर वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं 30, 30 आप घटाओगे तो मेरे भाई 100 में से 30 का कितना बचा 70, अरे कितना बचा 70। तो आपसे पूछे केवल आयत की संख्या, तो केवल आयत की संख्या कितनी आएगी 70, कितनी आएगी 70 आएगी। चलिए अब मेरे हिसाब से हर बालक के बात समझ में आ गई होगी, तो क्या बताओ मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई क्या, बोलो आई ना, कर सकते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन को, बता सकते हैं ना, चाहे इसमें आपसे क्या पूछे बोलो, स्क्वायर पूछे, वर्गों की संख्या पूछे, या फिर आपसे क्या पूछे आयत की संख्या, या क्या पूछे बोलो केवल आयत की संख्या। और केवल आयत तो आसान है, आयत में से वर्ग घटा दो केवल आयत आ जाती है, बोलो आएगी नहीं आएगी। चले अब आगे देखिए, अब अगला एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, देख मेरे भाई ये थोड़ा डिफरेंट आकृति आ गई, ये स्तंभ पंक्ति का नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख, तू इधर देख, चल आप मुझे बताओ, ये देख इसमें एक स्लॉट दिख रही है ये वाली, अरे एक स्लॉट आपको दिख रहा है ना, ये देख इसमें एक स्लॉट दिख रही है, ये स्लॉट दिख रही है, तो मेरे भाई केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आप बता ये कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4 और कितना 5, अरे 5 भाग में डिवाइड है ना, ये क्या बताओ, ये मेरे भाई पंक्ति तो है, अरे ये क्या बोलो पंक्ति, और ये इतना इतना से क्या स्तंभ, तो आप बोलोगे गुरुजी पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है, आयत ज्ञात करें डायरेक्ट ट्रिक, पंक्ति का योग इनटू स्तंभ का योग, तो आप बताओ 5 और 4 9 3 12 14 कितना पंक्ता, 14 कितना 15, तो पंक्ति का टोटल तो 15, स्तंभ केवल एक है, तो 15 × 1 कितना 15, जब आप पता है स्तंभ एक हो या पंक्ति एक हो तो डायरेक्ट इनको जोड़ लो, डायरेक्ट जोड़ो, तो आप बताओ फटाफट डायरेक्ट जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 14 1 कितना 15, तो यहां कितनी आयत बोलो 15, काउंट करोगे तब भी 15 ही आनी है। अब बताओ इसकी बात करो, आप मुझे बताओ इस वाली स्लॉट की बात करो मेरे भाई, देखा इसकी बताओ, इस वाले की बात करो, इसकी देख इसकी इसकी ये वाली, इस वाली स्लॉट की बात करो, इस वाली पिक्चर की बात करो, तो आप मुझे बताओ ये पिक्चर कितने भाग में डिवाइड है, 1, ये वाली 2, ये कितना 3 4 और कितने बोलो 5, 5 हो गया। तो अब आप बताओ कि ट्रिक हम जानते हैं, जब स्तंभ पंक्ति में हो आयत फटाफट बता सकते हैं, पंक्ति का योग इंटू स्तंभ का योग, मेरे भाई पंक्ति तो केवल कितनी है एक भाग में डिवाइड है, स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है 1 2 3 4 5, स्तंभ का टोटल कर लो, पंक्ति का टोटल कर लो, आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, स्तंभ का टोटल बताओ 5 4 9 3 12 14 1 15, स्तंभ का टोटल 15, पंक्ति तो केवल कितने भाग में डिवाइड है एक भाग में डिवाइड है, 15 × 1 कितना 15, जब पंक्ति एक हो या स्तंभ एक हो तो डायरेक्ट इन्हीं को जोड़ दो ना, तो बताओ इनको टोटल करोगे कितना आएगा बोलो, अरे कितना आएगा 15, तो आप बताओ फटाफट। अब हम बता सकते हैं इस वाली स्लॉट के अंदर ये स्लॉट नंबर कौन सी है हमारी पहली, और ये स्लॉट नंबर कौन सी है दूसरी, तो आप बताओ पहली स्लॉट के अंदर कितनी आयत है मेरे भाई 15, दूसरी के अंदर कितनी आयत है बताओ 15, तो आप बताओ 15 और 15 मेरे भाई आंसर कितना आएगा बोलो 30 आएगा, अरे कितना आएगा 30, क्या 30 राइट आंसर है क्या,
अरे बोलो सही है क्या 30? नहीं है मेरे भाई, 30 नहीं है सही। तो क्यों गलत है आप बताओ? क्या ये जो ये है ना एक एक नंबर, ये जॉइंट है मेरे भाई, ये जॉइंट कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार। गुरु जी दो बार कैसे काउंट कर लिया? एक बार ही तो किया। देखो कैसे किया, 2 बार मैं बताता हूँ। एक तो आपने इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर जब ये काउंट किया ना आपने ये वाली, तब एक आ चुका है, एक ही काउंट होगी, एक की काउंटिंग होगी। जब आपने ये काउंट किया ना मेरे भाई, ये वाला काउंट किया है, तब भी आप किसको काउंट कर रहे हो? एक को। ये एक जो है ना इस आकृति के अंदर भी काउंट हो रहा है, और ये एक है ना इस आकृति के अंदर काउंट हो रहा है। ये जॉइंट कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार। होना कितनी बार चाहिए? 1 बार। 1 बार एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक जॉइंट को आपको क्या कर दो, एक जॉइंट को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मेरे भाई 30 में से एक ज्ञात कितना बचा? 29। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा बोलो? 29। 30 वाले गलत आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। बताओ इन दोनों स्लॉट को अगर मैं मिलाता हूं तो एक ही तो जॉइंट मिलेगा, और स्लॉट आएगी तो 2 जॉइंट होंगे। जितने जॉइंट आएंगे उतने जॉइंट को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ फटाफट, पहली स्लॉट के अंदर कितनी आयात बोलो? बोलो 15। दूसरी स्लॉट के अंदर कितनी आयात बोलो? 15। तो 15 15 कितना? 30। कितने जॉइंट इन दोनों को मिलाओगे तो एक ही तो जॉइंट आएगा, 30 में से एक गैप कितना बचा? 29। अरे कितने बचा? 29। चलिए आगे चलिए, क्या एक क्वेश्चन और करेंगे आप इस तरह का, बताइए। चलो लो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आप मुझे बताओ, लो सेम क्वेश्चन, तो आप बताओ। मैंने अभी अभी आपको बताया ये पहली वाली स्लॉट कितने भाग में डिवाइड है? 1 2 3 और 4। मैंने बताया कि स्तंभ अगर एक है, चाहे पंक्ति एक हो, तो डायरेक्ट आप जोड़ दो। तो बताओ 4 और 3 7, 4 और 3 7 2 9 1 कितना? 10। तो मेरे भाई इस आकृति के अंदर कितनी आयत है बोलो? 10। कितने स्लॉट है इसमें टोटल, पहले बताओ स्लॉट। स्लॉट नंबर कितनी बोलो? फर्स्ट। स्लॉट नंबर कितनी? सेकंड। और स्लॉट नंबर कितनी? 3। 3 पिक्चर है इसके अंदर, 3 आकृति है, 3 स्लॉट है। अब बताओ दूसरी में, आप बताना दूसरी वाली बताओ। ये बता दे कितना? 1, ये 2, ये 3, ये कितना? 4। अब इस स्लॉट के अंदर आपको बताने, इस स्लॉट के अंदर मेरे भाई, इस स्लॉट के अंदर कितनी आयतें हैं? चल बताओ, आयत के लिए तो मैं ट्रिक बता चुका हूं, पंक्ति का योग इंटू स्तंभ का योग। पंक्ति का योग तो एक ही है, स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है? 4 में, 1 2 3 4 में। तो 4 और 3 7 2 9 1 कितना? 10। 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 आएगा। तो डायरेक्ट जोड़ दो आप, इसमें जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बोलो? 10 आएगा। बहुत बढ़िया, आगे आप बताओ। मैं इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आप बताओ ये वाली जो पिक्चर है ना, बताओ कितने भाग में डिवाइड है? आप बोलो गुरुजी 1 2 3 और ये कितनी? 4। बताओ इसका टोटल, बताओ यहाँ पर स्तंभ तो एक है, पंक्ति का टोटल कर दो, स्तंभ का टोटल कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 4 और 3 7 2 9 1 कितना? 10। पंक्ति का टोटल 10, स्तंभ का टोटल कितना? केवल 1। मल्टीप्लाई करो 10 × 1 कितना? 10। तो बताओ डायरेक्ट जोड़ दो ना, 4 3 7 2 9 1 कितना? 10। तो इस तीसरी पिक्चर में कितने आयत हैं बोलो? 10। तो आप बताओ फटाफट, आप मुझे ये बताओ क्या पहली स्लॉट के अंदर कितनी आयत बोलो? 10। ये पहली स्लॉट के अंदर, इस पहली स्लॉट के अंदर मेरे भाई, इस पहली स्लॉट के अंदर कितनी आयत हैं बताओ आप? 10 हैं, ये 10 काउंट कर ली। दूसरी के अंदर, इस दूसरी पिक्चर की बात कर रहा हूं, इस दूसरी स्लॉट हमारी ये है मेरे भाई, ये वाली, इस दूसरी स्लॉट के अंदर आप बताओ कि कितनी आयत हैं बताओ? दूसरी स्लॉट के अंदर कितनी आयत हैं यहाँ पर? अरे कितनी आयत हैं बोलो? 10 हैं। तीसरी स्लॉट के अंदर बताओ, ये तीसरी स्लॉट है ये वाली, तीसरी स्लॉट के अंदर कितनी आयत हैं बोलो? 10। तो आप बताओ 10 10 10 कितना हो गया बोलो? 30। अरे कितना हो चुका है? 30। अब बताओ क्या इसका आंसर 30 आएगा क्या? अरे आंसर 30 आएगा क्या बोलो? नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब बताओ फटाफट बताओ, क्या जॉइंट भी तो माइनस करने है? तो कितने जॉइंट है? एक जॉइंट तो आपको ये दिख रहा, एक जॉइंट ये दिख रहा, ये क्या है मेरे भाई? जॉइंट है। और जॉइंट को क्या करते हैं? माइनस। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जॉइंट एक्स्ट्रा काउंट हो जाते हैं। इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये जॉइंट, इन दोनों को मिलाता हूं दोनों स्लॉट को तो ये जॉइंट, ये एक इस पिक्चर में भी काउंट हो चुका है, इस वाली पिक्चर में भी काउंट हो चुका है, ये 4 इस तीसरी वाली स्लॉट में भी काउंट हो चुका है, और इस दूसरी वाली स्लॉट में काउंट हो चुका है। ये 4 दो बार काउंट हो गया, ये 1 2 बार काउंट हो गया, तो कितना कम कर दो बोलो? 2। 2 जॉइंट है, इन 2 जॉइंट को क्या कर दो आप? माइनस। तो मेरे भाई कितने जॉइंट बोलो? 2 जॉइंट है, और मेरे भाई 2 जॉइंट को आप माइनस करोगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा ना मेरे भाई, कितने जॉइंट है बोलो? यहां पर जॉइंट की संख्या कितनी है बोलो? 2।
तो बताओ 30 में से 2 गया कितना बचा 28, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा मेरे भाई 28 आएगा। ठीक है, ज्वाइंट को माइनस करना पड़ेगा नहीं तो गलत कर दोगे आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बात मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी सभी मेरे प्यारे बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं, देख इधर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये रहा, ये बहुत एग्जाम में आ चुकी, जो भी मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसकी हम बात करते हैं, तो आप बताओ, ये भी कई बार SSC या राजस्थान पुलिस वगैरह में पूछा हुआ है, तो आप बताओ कि इसमें इस पिक्चर के अंदर बताओ क्या ये पिक्चर स्तंभ पंक्ति के अंदर बनी हुई है क्या? नहीं। अब ऐसा तो रहेगी हर क्वेश्चन को आप ट्रिक से कर दो, नहीं, ये बेसिक पिक्चर है, बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो बताओ इस पिक्चर के अंदर कितनी आयत हैं, तो बताओ। तो अगर बेसिक पिक्चर है तो काउंट करनी पड़ेगी, बताओ सिंगल सिंगल कितनी है, एक, ये दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और एक पांच, पांच और एक छह, छह के अलावा बताओ ये कितना, सात, सात के अलावा ये कितना बोलो, आठ, आठ है ना, क्या सबको दिख रहा है? हाँ, बताओ सिंगल सिंगल जो है ना, सिंगल सिंगल मेरे भाई मैं ये कह सकता हूँ सिंगल सिंगल आयत जो है ना वो कितनी है बताओ, आठ, सबको दिख रही होंगी बढ़िया से, एकदम बढ़िया से दिख रही है। हाँ देखो, अगर इस टॉपिक को देखोगे नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, देखना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं देखेगा तो प्रॉब्लम मेरे भाई आपकी है। देखो इधर सिंगल सिंगल कितने बोलो, आठ, बढ़िया से दिख रही है ना। अब बताओ एक का मतलब सिंगल सिंगल जो पिक्चर है ना वो सिंगल सिंगल पिक्चर कितनी मेरे भाई, आठ है। चलो आप बताओ सिंगल सिंगल के अलावा आप ये बताओ क्या दो दो वाली बता, दो दो, दो का मतलब दो आकृतियों को मिला, चल दो को मैं मिलाता हूँ, देख इधर देख दो को मिला के, क्या एक को और दो को इन दोनों को मिलाओ क्या तुमको आयत नजर आ रही है, नहीं आ रही बता मेरे भाई, इन दोनों को मिलाओगे तो आयत ही तो है ये एक, इन दोनों को मिलाओ एक, ये दो वाली भी आयत बनी है, एक और एक कितना बोलो दो, इन दोनों को मिलाओ दो, इन दोनों को मिलाओ तीन और चार को बताओ, दो और एक कितनी हो गई तीन, चार और पांच को मिलाओ कितनी हो गई बोलो तीन और एक चार, पांचवी पिक्चर और छठी पिक्चर को मिलाओ तो कितनी हो गई बोलो, यहां पर कितनी हो गई, एक दो तीन चार और पांच, अरे कितनी हो गई बोलो पांच, देखिए एक बार दोबारा, सात और आठ को मिला के कितनी एक, एक और दो को मिला के कितनी दो, तीन और चार को मिला के कितनी तीन, चार और पांच को मिला के कितनी चार, और पांच और छह को मिला के कितनी कितनी पांच, पांच हो गई। अब आप बताओ मुझे कि मेरे भाई तीन तीन बताओ, अगर मैं तीन तीन पिक्चर को लेता हूं तो तीन तीन पिक्चर वाली कितनी आयत बन सकती है मैक्सिमम, तीन तीन को ऐड करो और तीन तीन को ऐड करने पे बताओ कि अधिकतम कितनी आयत बन सकती है। तो चल मेरे भाई ये देख, ये बता क्या इन तीनों को आप लोगे तो क्या तीनों को लेने पर एक आयत तो बढ़िया से दिखे, देख इधर एक दिखे ना एक चला आगे। अब बता ये एक और एक ये कितनी हो गई बताओ, एक और एक ये कितनी हो गई बोलो दो, बढ़िया से दिख रही है दो। अब बता दो के अलावा अगर इन तीनों पिक्चरों को लो, दो और एक ये कितनी बोलो तीन, तीन को चार को पांच को लिया तो ये कितनी हो गई बोलो, ये तो कितनी हो गई बताओ एक, ये वाली कितनी हो गई एक दो तीन को मिला के दो, और तीन चार पांच को मिला के कितनी हो गई बोलो तीन, और चार पांच छह को मिला के कितनी हो गई बोलो चार, अरे कितनी हो गई बोलो चार, तो तीन तीन वाली मेरे भाई कितनी है बोलो चार। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलू कि चार चार वाली भी है क्या यहाँ पर, अगर चार चार वाली भी, हाँ सर चार चार वाली भी है, अगर चार चार कौन सी पिक्चर बताओ चार चार को मिला के बनी है, देख मेरे भाई तीन को चार को पांच को छह को इन चारों को मिलाओगे ना तो बढ़िया से देख मेरे भाई एक आयत बनेगी, क्या आयत बनी है ना बढ़िया से एक, हाँ कितनी बनी है एक, और अगर सबको जोड़ोगे तो आयत नहीं बनेगी। तो मेरे भाई बता आठ और पांच कितना, आठ और पांच तेरह, तेरह और एक चौदह, चौदह और चार कितना अठारह, तो इस पिक्चर के अंदर कितनी आयत है बोलो अठारह आयत है, कितनी है बोलो अठारह, इसका राइट आंसर अठारह आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा समझा देता हूं। चलो आप बताओ सिंगल सिंगल कितनी, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, कितनी हो गई बोलो आठ, क्या बात क्लियर। अब आठ के अलावा आप मुझे बताओ दो दो वाली बताओ, दो दो वाली पांच का है, देख मेरे भाई एक और दो को मिला एक आयत, सात और आठ को मिला दो आयत, तीन और चार को मिला तीन आयत, चार और पांच को मिला चार आयत, पांच और छह को मिला कितने आयत पांच आयत, तो दो दो वाली कितनी अधिकतम बोलो पांच। चलो बताओ आगे आप मुझे बताओ तीन तीन पिक्चर वाली बताओ, एक को दो को तीन को मिला, एक दो तीन को मिलाएगा तो मेरे भाई एक आयत बनेगी एक,
छह सात आठ को मिलाएगा कितनी आयत बनेंगी बोलो, दो। तीन चार पांच को मिलाएगा बोलो तीन, और चार पांच छह को मिलाएगा कितनी, चार। तीन तीन वाली कितनी बेटा, चार। अब बताओ चार चार वाली, चार चार वाली बढ़िया से देख लो, एक ही दिख रही है। कौन सी, तीन को, चार को, पांच को और छह को, इन चारों पिक्चर को आप मिलाते हो ना तो एक ही तो आएगी नजर। तो बताओ टोटल करोगे कितना आएगा, 18। इसका आंसर कितना है, 18। क्या बात क्लियर, अरे बात समझ में आई, आई ना। चले फिर आगे चल, ये ले, ये देख। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब आगे बताओ इस आकृति में तो देख के पता लग रहा है, बताओ फटाफट बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। ये त्रिभुज वर्ग होता है क्या, ये तो मैंने नहीं बताया आपको, क्या ये त्रिभुज वर्ग है क्या, नहीं। अरे ये पिक्चर तो स्तंभ पंक्ति वाली बन गई, देख मेरे भाई ये देख, चल बता ये क्या बोलो, पंक्ति, ये क्या यहाँ पर स्तंभ। ट्रिक लगा लो ना, बताओ फटाफट क्या ट्रिक होती है, मैं आपको बता चुका हूं। देखिए पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है, एक और दो, स्तंभ एक और दो, आयत ज्ञात करनी है ना। अब बताओ आयत ज्ञात करने के लिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताओ पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है, ये आपकी पंक्ति रो, ये क्या आपका स्तंभ, दो भाग में डिवाइड है, टोटल करो 1+2 हो गया। आगे बताओ चिन्ह किसका, इनटू का। स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है, दो में, 1+2 बस मल्टीप्लाई कर दो। पंक्ति का योग 2 और 1 3 इनटू स्तंभ का योग 2 और 1 कितना, 3। तो आप मुझे बताओ 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो इस पिक्चर के अंदर कितनी आयत है बताओ, 9 आयत है। अरे कितनी आयत है, 9 आयत है। तो इस पिक्चर के अंदर जो आयत है वो कितनी है, 9। चलिए एक बार काउंट करके भी बता देता हूं मैं फटाफट, सिंगल सिंगल कितनी, 1 2 3 4। चार के अलावा देख मेरे भाई, 4 और 1 ये कितनी हो गई बोलो, 4 और 1 ये कितनी बोलो, 5। इन दोनों को मिलाओ, 5 और 1 ये आयत, 5 और 1 कितना, 6। इन दोनों को मिलाओ, 6 और 1 कितना, 7। इन दोनों को मिलाओ, 7 और 1 कितना, ये वाली 8। और मेरे भाई 8 के अलावा तुमको ये नहीं दिखती है कि बड़ी वाली, ये बड़ी वाली भी तो है, देख इधर देख 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 ये देख ये, चल बताओ बड़ी वाली कितनी हो गई, 9। तो मैं आपको 9 ही बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता सकते हैं इस तरह ट्रिक से कितना आएगा, 9। बेसिक से काउंट करोगे तब भी कितना आएगा, 9। चलिए आगे देखिए, इसमें देखो इस बेसिक पिक्चर में आप बताओ, आप मुझे बताओ फटाफट क्या ट्रिक से, तो होगा नहीं, देखो फटाफट सिंगल सिंगल बता। चल मेरे भाई सिंगल सिंगल, ये 1 आयत, ये 2 आयत, ये 3 आयत, ये 4 आयत, और ये कितनी बोलो, 5। तो मुझे सिंगल सिंगल कितनी आयत दिख रही है बोलो, सबको दिख रही है 5। क्या सिंगल सिंगल 5 दिख रही है, सिंगल सिंगल की जो आयत की जो संख्या वो कितनी है बताओ, 5। 5 सबको दिख रहा है। अब 5 के अलावा आप बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तू दो दो वाली बता, दो दो पिक्चर को मिला के। अब बताओगे गुरुजी दो दो कौन सी, देखो क्या 1 और 2 को मिला बता, 1 और 2 को मिलाएगा तो हाँ सर ये आयत बननी है, ये कितनी बोलो, 1। और बताओ और अच्छे से देखो, और अच्छे से देखोगे ना तो ये मेरे भाई 3 को और 4 को मिला, ये भी दो पिक्चर को मिला के, इन दोनों पिक्चर को मिला के देख ये बननी है बढ़िया से। एक तो ये देख रही है 1 और 2 और 3 और 4, क्या दो दो को मिला के कोई और भी बनी है क्या, नहीं बनी ना। तो दो दो वाली केवल कितनी है, 2 है। दो दो वाली की जो संख्या है वो केवल कितनी है बताओ, दो दो वाली कितनी आयत है मैक्सिमम बताओ, 2। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं कि तीन तीन पिक्चर को मिला के कितनी बनेंगी, तीन तीन को मिला के, तीन का मतलब कोई भी तीन आकृति लो, तो अब जब तीन आकृति लोगे ना तो मेरे भाई देख, तीन को लेके 1 2 5 को लो आयत बन जाएगी बताओ, 1 2 5 को लोगे, देखो 1 बुझा, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4 बताओ। और आयतें हर दो भुजाओं के बीच में कोण 90 डिग्री होता है ये तो सब जानते हैं। तो बताओ 1 2 और 5 को मिला के तीन तीन वाली केवल कितनी बनी है, 1। और बताओ, और बताओ कोई और बनेगी क्या, बताओ और बनेगी क्या, और कोई नहीं बनेगी। अब बताओ आप मुझे बताओ 5 और 2 7 और 1 8। अब 8 के अलावा बताओ एक एक्स्ट्रा भी है, कौन सी बोलो, संपूर्ण बड़ी वाली, बड़ी वाली बताओ, क्या ये बड़ी वाली भी तो आयत है मेरे भाई, ये देखो ये आयत बनी है, ये बड़ी वाली भी एक आयत है। तो आप बताओ संपूर्ण बड़ी वाली एक आयत है, एक एक्स्ट्रा है, तो आप बताओ एक यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको दिख रही है, तो आप मुझे बताओ 8 और 1 कितना, 9। तो इसका जो आंसर आएगा ना मेरे भाई कितना आएगा, 9 आएगा। तो बात क्लियर, ये तो आसान क्वेश्चन था, सिंगल सिंगल कितनी थी बोलो, 5। दो दो वाली पिक्चर 1 और 2, 3 4 को मिला के 2। तीन वाली 1 2 5 को मिला के ये तीन वाली 1 है। टोटल बताओ 5 और 2 7 और 1 8। 8 के अलावा पूरी बड़ी वाली एक्स्ट्रा कितनी है, 1 को 2 को 5 को 3 को 4 को मिला के बड़ी वाली कितनी है, 1। तो 8 और 1 कितना, 9। चलिए आगे देखिए,
इसमें बताओ, इसमें इसमें बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा? देख मेरे भाई, इसमें अगर आपसे मैं पूछूं, इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप बताओ क्या इस आकृति के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं, चलो बताना है, इसके आकृति के अंदर आपको एक तो एक चीज बतानी है, क्या? एक तो आपको बतानी है यहां पर, एक तो आपको ये बतानी है कि आर का मतलब आयत कितनी है और आर डैश का मतलब केवल आयत कितनी है। दो क्वेश्चन, अगर आयत पूछे तो क्या आंसर आएगा, केवल आयत पूछे तो क्या आंसर आएगा? चल बताओ, पहले बताओ ये क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया था ये एक वर्ग है, और वर्ग में जब किसका स्टार होता है, प्लस का, और प्लस का स्टार होता है तो कितने वर्ग होते हैं? पांच। बताओ, एक दो तीन चार, और बड़ा वाला कितना बोलो? पांच। अब देखो इसमें गंदी निगाहों से, क्या इसमें बताओ, फटाफट बताओ, पांच वर्ग है क्या? हाँ सर। देखो बड़ा वाले में, देखो बड़ा, ये बड़ा पिक्चर है ना, ये बड़ी पिक्चर, ये बड़ी पिक्चर में आप बताओ, इस बड़ी पिक्चर के अंदर बताओ, इस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इस पिक्चर के अंदर मेरे भाई ये बता किसका स्टार है? प्लस का। और जब प्लस का स्टार होता है तो वर्ग कितने? पांच। पांच है ना, पांच को लास्ट में घटा देना, भूल मत जाना, ए सिंगल, एक दो तीन चार छोटे छोटे, अरे बड़ा वाला कितना? पांच। अब बताओ आयत में से वर्ग घटा दोगे तो केवल आयत आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना इस आकृति में वर्ग कितने होंगे? पांच। चलिए इधर देखिए, अब बताओ, पहले बताओ सिंगल सिंगल कितनी आयत है? सिंगल सिंगल मेरे भाई ये देख, सिंगल सिंगल कितनी? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और मैंने आपको बता दिया ये वर्ग भी, सभी वर्ग आयत होते हैं, अगर आयत पूछ रहा है तो सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। और वर्ग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? आयत के अंदर, इसलिए वर्ग क्या हो जाते हैं? आयत। तो आप मुझे बताओ कि मेरे भाई सिंगल सिंगल कितने, बताओ सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल कितनी, कितने सिंगल सिंगल बताओ कितनी आयत हैं? सिंगल सिंगल जो आयत की संख्या है, सिंगल सिंगल आयत की संख्या कितनी बताओ? आठ। अरे कितनी है? आठ। दो दो वाली बताओ, दो दो वाली, दो दो को जोड़कर। अब बोलो गुरु जी एक और दो को जोड़ोगे तो वर्ग है? अरे मेरे भाई आयत गिनो तो वर्ग भी तो क्या होता है? एक आयत होती है, अरे वर्ग भी क्या होता है? आयत। अब बताओ तीनों चार को जोड़ोगे, तीनों चार को जोड़ने पे ये वर्ग है, लेकिन वर्ग भी क्या होती है? आयत। पांच और छोड़ को छह को जोड़ने पे ये वर्ग है, और वर्ग भी क्या होती है? आयत। सात और आठ को जोड़ने पर ये वर्ग है, वर्ग भी क्या होती है? एक आयत। तो अब बताओ एक और दो को मिला के दो दो वाली एक, तीन चार को मिला के दो, पांच छह को मिला के तीन, सात आठ को मिला के चार, तो दो दो वाली कितने बताओ? चार। अब मैं बात कर रहा हूं तीन तीन पिक्चर को मिला के, तीन तीन पिक्चर को मिला के कितनी है? देख तीन तीन को मिला के बता, देख अच्छे से, एक को दो को तीन को, इन तीनों को मिला मेरे भाई कितनी बोलो? एक। पांच छह सात को मिलाओ, पांच छह सात को मिलाओ कितने हो गए बोलो? दो। दो गए ना। आगे बताओ तीन वाली बताओ, है ना, तीन वाली आगे बताओ, दो के अलावा तीन चार और पांच को मिलाओगे तो कितने? तीन। और बताओ दो सात और आठ को मिलाओगे तो कितनी बोलो? चार। अरे कितनी? चार। तो तीन तीन वाली कितनी? चार। तो आप बताओ क्या चार चार वाली भी है क्या? हाँ सर, चार चार वाली। देखो कितनी चार चार वाली, देखो अगर मैं इसको काट देता हूं ना, इस लाइन के, लाइन के ऊपर चार आकृति कितने भाग में डिवाइड है बताओ? सॉरी कितनी पिक्चर है बोलो? चार। एक आयती बनी, जस्ट नीचे वाली एक और एक कितनी बोलो? दो। दो गए ना, दो तो बढ़िया से दिखे। दो के अलावा देख मेरे भाई ये देख इधर, ये बड़ी वाली दो और एक, ये कितने हो गए बोलो? तीन। और ये कितनी हो गई बोलो? चार। अरे कितने हो गए? चार। बताओ इसको छिपाता हूँ, चार वाली एक, इसको छिपाता हूँ दो, इसको छिपाता हूँ तीन, इसको छिपाता हूँ चार। बताओ चार चार वाली कितनी बोलो? चार। अब बताओ, आप बताओ आठ और आठ सोलह, सोलह चार कितना? बीस। और बीस के अलावा बताओ, बीस के अलावा मेरे भाई, बीस के अलावा ये बता, बीस के अलावा आप मुझे ये बताओ कि यहां पर ये बड़ी वाली, अरे बड़ा वाला भी तो वर्ग है, लेकिन वर्ग भी क्या होती है? आयत। तो आप बताओ एक बड़ा वाला है, एक एक्स्ट्रा है, बताओ तो आप मुझे बताओ बीस और एक कितना? इक्कीस। तो इसका जो आंसर आएगा वो इक्कीस आएगा मेरे भाई, अगर क्या पूछे? आयत पूछे। और आपको पता है आयत के अंदर गलती में, गलती से अगर वर्ग है तो वर्ग भी क्या होते हैं? आयत। 21। अब बताओ आर डैश का मतलब क्या? बताओ आर डैश का मतलब क्या होता है बोलो? केवल आयत। क्या होता है बोलो? केवल आयत। अब आपको पता है 21, आर डैश का मतलब केवल आयत। 21 क्या है? आयत है। और इस 21 के अंदर क्या है, क्या शामिल है? वर्ग। मैंने आपको बताया किसी वर्ग में प्लस का स्टार होता है तो वर्ग कितने होते हैं? पांच। जिनके भी बताए पांच मैंने, एक तो बड़ा वाला है ही,
एक दो को मिला के, तीन चार को मिला के, पांच छह को मिला के, सात आठ को मिला के, दो दो वाले चार ही हैं, एक बड़ा वाला, कितने वर्ग हैं? पांच। तो कितने वर्ग घटा दो बताओ? पांच वर्ग को घटा दो, 21 में से पांच आप घटा दो तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 16। अरे कितना आएगा? 16 16 आएगा, केवल आयत 16 होंगी और आयत पूछे तो 21 होंगी। चलिए आगे, अब आगे बताओ, इस आकृति की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप बताओ मेरे भाई इस आकृति के अंदर किसकी संख्या बतानी है? बोलो आयत की। तो आप मुझे बताओ फटाफट, इधर देखिए। अरे ये पिक्चर तो वही है ना जो मैंने आपको स्तंभ ट्रिक से बताई, ये वाली देख, ये वाली तो डायरेक्ट करना, डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया, डायरेक्ट पता, इसमें तो डायरेक्ट तरीका लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आपको ये पता है ये पंक्ति है बेटा और ये क्या है? स्तंभ। तो बताओ पंक्ति कितने भाग में डिवाइड है? बताओ एक और दो। स्तंभ कितना? बोलो एक दो तीन और चार। अब आपको पता है ये क्या? बोलो ये क्या है आपकी? ये आपकी कॉलम है, सॉरी ये आपकी पंक्ति है और ये क्या? बोलो कॉलम। चलिए कॉलम का मतलब स्तंभ और रो का मतलब पंक्ति। अब आप बताओ क्या ट्रिक बताई मैंने आयत के लिए? आयत के लिए मैंने भाई ट्रिक बताई आयत के लिए, देख इधर, आयत के लिए क्या बताया मैंने? पंक्ति का योग कितना? बोलो 1+2। अब बताओ इनटू का चिन्ह। अब बताओ स्तंभ का योग, स्तंभ का योग 4 3 7 दोनों और एक कितना? 10। स्तंभ कितने भाग में डिवाइड है? 4 में, 1+2+3+4। तो आप बताओ पंक्ति का योग दो रे कितना? बोलो दो रे कितना? 3। इंटू बताओ 4 3 7 दो नौ रे कितना? 10। तो आप बताओ 10 × 3 कितना हो गया? 30। तो मेरे भाई इस पिक्चर में ये वाली जो मैंने आपको ये डार्क कर रखे ना, इस आकृति के अंदर टोटल आयत कितनी आएंगी? बोलो 30 आएंगी। कितनी आएंगी? 30। लेकिन इसका अंदर 30 हो रही है। अब आप बताओ 30 के अलावा ये भी तो दिख रहा है, 30 और एक कितना? 31। 31 और एक कितना? 32। इस पिक्चर के अंदर हम कितना काउंट कर चुके हैं? 30। दो एक्स्ट्रा कितने हो गए? बोलो 32। 32 तो बढ़िया से आपको दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है? बोलो 32 तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा, बढ़िया से सबको दिख रहा है 32। अब 32 के अलावा बात किसकी होगी? एक्स्ट्रा की। ले मेरे भाई एक्स्ट्रा, चल बता एक्स्ट्रा ले, एक्स्ट्रा की बात करें। बताओ 32 के अलावा बताओ क्या इन दोनों को लेकर? एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? एक आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर। और एक्स्ट्रा कितनी आयत बनी है? 30 तो सेपरेट इसमें बनी, जो भी टोटल मिला के 31 32। एक्स्ट्रा देखो 32 के अलावा कितनी एक्स्ट्रा है? अब बोलो गुरु जी 32 के अलावा, सर अच्छे से देखो, ये देखो एक एक्स्ट्रा तो मेरे भाई ये दिख रही बढ़िया से, ये वाली एक एक्स्ट्रा दिख रही सबको, एक एक के अलावा आप मुझे बताओ, एक के अलावा बताओ ये बड़ी वाली कितनी हो गई मेरे भाई? 2। कितनी हो गई? 2। अब 2 के अलावा ये देख, 2 और 1 ये कितना? बोलो 3। कितना? 3। और ये बड़ी वाली बताओ 3 और 1 ये कितना? 4। 4 दिख रही है। 4 के अलावा इन दोनों को मिलाओ, 4 और 1 कितना? बोलो 5। ये कहां काउंट किए? 5 के अलावा बताओ ये आधी वाली, 5 और 1 6। और ये बड़ी वाली 6 और 1 कितना? 7। तो मेरे भाई अब आप बताओ कितनी एक्स्ट्रा है? 7 एक्स्ट्रा है। कितना? 7। तो इस आकृति में 7 एक्स्ट्रा और हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं 32 और 7 कितना? 39। और इसका राइट आंसर आएगा 39। बात एकदम समझ में आ गई होगी सभी बालकों को, क्या ही मेरे प्यारे बच्चों, आई ना? चलिए बता सकते हैं आसानी के साथ, बता सकते हैं इस वाली पिक्चर में कितनी आयत थी? बोलो 30। 31 32। एक्स्ट्रा कितनी? 7, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो 32 और 7 कितना? 39। चलिए देखिए आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न देखिए। अब आप बताओ फटाफट, क्या देखो यहां पर ये पूरी लाइन स्तंभ पंक्ति में डिवाइड नहीं है मेरे भाई? स्तंभ पंक्ति में डिवाइड नहीं है, तो बताओ सेपरेट सेपरेट गिनो। आप बताओ सबसे पहले बताओ यह आकृति कितने भाग में डिवाइड है? 1 2 3 और 4। 4 है ना? ये वाली बताओ, ये वाली स्लॉट ये फर्स्ट है ना, ये बताओ, इधर ध्यान दो। देखिए ये स्लॉट है पहली वाली, ये स्लॉट है कौन सी? दूसरी वाली। ये स्लॉट है कौन सी? तीसरी। मतलब तीन पिक्चर है अलग अलग। बताओ दूसरी पिक्चर कितने भाग में डिवाइड है? ये भी सर 1 2 2 भाग में डिवाइड है ये तो। बताओ ये कितनी? 1 2 3 और 4, ये 4 भाग में डिवाइड है। अगर स्तंभ पंक्ति की संख्या समान होती तो ही मैं ट्रिक से कर सकता हूं इसको। अब अलग अलग है तो आप डायरेक्ट जो दो, बताओ 4 और 3 7 2 9 1 कितना? 10। इस पिक्चर के अंदर कितने? बोलो 10। तो इस पिक्चर के अंदर 10 ही तो बनेंगे, कितने बनेंगे? बोलो 10।
गुरु जी कैसे कर दिया आपने? अरे पंक्ति बताओ, पंक्ति कितने भाग में, एक दो तीन, तीन और तीन छह, छह और चार दस, पंक्ति का टोटल दस। स्तंभ तो केवल एक ही है ना यहां से यहां तक इस पिक्चर के अंदर। अरे इस पिक्चर के अंदर आप मुझे बताओ क्या मेरे भाई, इस पिक्चर के अंदर स्तंभ तो एक ही है ना, तो दस इंटू एक दसित होगा। जब स्तंभ एक हो पंक्ति एक हो तो टोटल जोड़ दो आप। अब बताओ आगे, तो आप इधर बताओ ये कितने भाग में डिवाइड है, एक और दो कितना बोलो, तीन, जोड़ो सिंगल सिंगल, एक दो और दोनों को मिला के कितनी बनेगी बड़ी वाली, तीन। इसमें बताओ ऊपर और नीचे वाली सेम दिख रही है, सेम दिख रही है, तो आप बताओ चार और तीन सात, दोनों रे कितना दस, टोटल कर लो इनका कितना दस। तो बताओ इस सेपरेट पिक्चर में, सिंगल पिक्चर में, पहली पिक्चर में दस, इस दूसरी पिक्चर में कितना तीन, और इस तीसरी पिक्चर में कितना दस। तो बताओ दस और दस बीस, बीस और तीन कितना ट्वेंटी थ्री। अब ट्वेंटी थ्री ही आज का आंसर होगा क्या? नहीं सर, ट्वेंटी थ्री तो नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा कितने, क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या, ये लाइन देखो नहीं जा रही। अब एक्स्ट्रा देखे मेरे भाई, ये बढ़िया से आयत दिखिए, देखना पड़ेगा, नहीं दिखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो बताओ ये कितना एक्स्ट्रा, एक दिख रहा है आपको, एक के अलावा बताओ ये एक, ये भी तो एक्स्ट्रा है, ये देख ये देख ये देख ये ले ये ले, चल चल देख ये देख ये ले, ये कितने एक्स्ट्रा बोलो, दो एक्स्ट्रा। और बताओ दो के अलावा और भी है क्या? हाँ सर और भी दिख रही है, बताओ क्या एक बड़ी वाली भी तो है ना, क्या बड़ी वाली खा काम की है आपने, नहीं की, कितनी एक्स्ट्रा बोलो, तीन एक्स्ट्रा है। तो मेरे भाई इसमें कितना ऐड कर दोगे, यहाँ आप तीन ऐड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तीन क्या है एक्स्ट्रा है। तो बताओ तेईस और तीन कितना हो गया, ट्वेंटी सिक्स, कितना आएगा ट्वेंटी सिक्स। तो आप इसमें देख सकते हैं कितनी एक्स्ट्रा, कितनी एक्स्ट्रा आयत है, तीन, तो इसका आंसर कितना आएगा, 26। ठीक है, आज हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट, टॉपिक डिस्कस किया काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति गिनना, और आकृति गिनने में आज कंप्लीट हो चुका है क्या, बताओ आयत की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।